आज हम पिज्जा सॉस बनाने वाले हैं और आप जानते होंगे टमाटर इस समय बहुत महंगा मिल रहा है, तो उसको गाढ़ा करने के लिए मैंने प्याज और आज मैं यूज करने वाली हूँ पत्ता गोभी का। तो कैसे मैं ये सॉस को गाढ़ा बनाती हूँ चलिए देखते हैं। इन्हें हम सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर काट कर 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे कुकर में और 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। कुकर से हमने निकाल कर इसे ठंडा कर लिया है और अभी हम पानी को छान कर अच्छी तरह से मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं। इन सबके साथ में अदरक और लहसुन भी डालकर पीस लेते हैं। अदरक मेरी सूख गई है। उस पीसे हुए मिश्रण को मैंने एक पैन में डाल दिया जिसमें मैंने कोई भी एक बूंद भी तेल नहीं डाला है, तो इसमें हम अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। इसमें हम सबसे पहले टमाटो केचप डालेंगे खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सॉस थोड़ा मेरे से गिर गया। अच्छा रंग देने के लिए देगी मिर्च डालेंगे जो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तीखा मिर्च पीस दिया है। बहुत ही थोड़ा सा हम डार्क सोया सॉस डालेंगे। व्हाइट वेनेगर डालेंगे तो बहुत थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा सॉस कितना टेस्टी और देखने में इतना खूबसूरत रंग लेकर आया है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें पत्ता गोभी डाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना हुआ है, ये देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है।